आइए अब बात करते हैं हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। बायो कंट्रोल एजेंट्स एक्चुअली कोई प्लांट हो सकते हैं या इंसेक्ट्स हो सकते हैं या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो किसी और इंडिविजुअल पेस्ट या फिर फंगस या फिर कोई भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अक्सर बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ में उन जगहों पर भी बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर केमिकल कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है या फिर कॉस्ट ऑफ केमिकल ज़्यादा है या पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट ने या पेस्ट ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। हाँ, ये जानते हैं डिटेल में कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम में लाए जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स, माइट्स, वीड्स और प्लांट डिजीजेस यूजिंग अदर ऑर्गेनिज्म। इट रिलाइज ऑन प्रेडेशन। प्रेडेशन मतलब जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। पैरासिटिज्म, जबकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट या फिर उसका फूड जो है वो लेता रहता है और उस पे सर्वाइव करता है व्हाइल अदर ऑर्गेनिज्म इज आल्सो लिविंग। हर्बीवोरी यानी कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो पर्टिकुलर वीड्स पे फीड करते हैं और अदर नेचुरल मैकेनिज्म, बट टिपिकली ऑल्सो इन्वॉल्व्स एन एक्टिव ह्यूमन मैनेजमेंट रोल। यानी कि नेचर में तो ये चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन इसमें इन ऑर्गेनिजम्स का, इन बायो कंट्रोल एजेंट का इंट्रोडक्शन टू द इन्वायरमेंट वेयर वी विश टू कंट्रोल द सर्टन पॉपुलेशन इज नेसेसरी। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IPM प्रोग्राम्स। IPM का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि यहाँ पर पेस्ट मैनेजमेंट जो किया जाता है IPM के अंदर वो हर पॉसिबल वेज को यूज़ करके किया जाता है, और वहाँ पर जो है केमिकल कंट्रोल सबसे लास्ट ऑप्शन रखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केमिकल्स आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर आर क्रॉप, फॉर द इकोसिस्टम एंड फॉर द इन्वायरमेंट। देर आर थ्री बेसिक स्ट्रैटेजीज फॉर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। नंबर वन, क्लासिकल, या इसको बोलते हैं इम्पोर्टेशन। इम्पोर्टेशन इज वेयर अ नेचुरल एनिमी ऑफ अ पेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होप ऑफ अचीविंग कंट्रोल। यानी कि जो भी नेचुरल एनिमी है किसी पेस्ट का, वो उस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि कहीं और से उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो यानी कि क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है विद द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट। देन सेकेंड मेथड इज इंडक्टिव और ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन इन विच अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज आर एडमिनिस्टर्ड फॉर क्विक पेस्ट कंट्रोल। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस लोकेलिटी में जहाँ पे हमें पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है वहाँ उस पेस्ट के नेचुरल एनिमीज जो हैं वो कौन से हैं और उनके लगभग उनकी पॉपुलेशन क्या है, और इफेक्टिव और क्विक कंट्रोल करने के लिए उन्हीं पर्टिकुलर एनिमीज की पॉपुलेशन को आर्टिफिशियली सप्लीमेंट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उनको ऑगमेंट किया जाता है, और जिससे कि जल्दी से जल्दी पेस्ट कंट्रोल हो सके। देन थर्ड मेथड इज इनोकुलेटिव और कंजर्वेशन, इन विच मेजर्स आर टेकन टू मेंटेन नेचुरल एनिमीज थ्रू रेगुलर रीस्टैब्लिशमेंट। यानी कि इसमें जो नेचुरल एनिमीज हैं उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह में पर्टिकुलर नेचुरल एनिमी की पॉपुलेशन जो है वो बनी रहे, उसको उसमें ब्रीडिंग होती रहे, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहे ताकि हमें बाहर से जो है उसको सप्लीमेंट ना करना पड़े आर्टिफिशियली। नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट और ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, दे इंक्लूड प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स जैसा कि बताया कि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर दूसरे पेस्ट को जो है खाते हैं, वो प्रेडेटर होते हैं।
पैरासिटोइड होते हैं या तो वो उनके अंदर जीते हैं, जैसे कि एग पैरासिटोइड होते हैं और कई लार्वल पैरासिटोइड होते हैं, कई इंसेक्ट्स के वो पैरासिटोइड्स हैं। देन पैथोजेंस और दूसरी जो प्लांट है उसको इन्फेक्ट करके, और कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स यानी कि आपस में कंपटीशन करके फॉर स्पेस और फॉर द फूड सोर्सेज, फॉर एनर्जी, फॉर लाइट, फॉर एवरीथिंग। Biological control agents of plant diseases are most often referred to as antagonistic. Antagonistic कहा जाता है क्योंकि उनके बिल्कुल opposite effect होता है इनका, जो भी requirement उनकी होती है उससे एक तरीके से, जैसे हम कहें कि पेस्ट जो है वो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट क्या है, वो फायदा पहुंचा रहा है, और एंटागोनिस्टिक टाइप का जो है वो इफेक्ट दे रहा है डिजीज के लिए अगर हम कहें तो, क्योंकि जो स्पेस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घेरने वाला है प्लांट के ऊपर, वो ऑलरेडी जो है बायो कंट्रोल एजेंट घेर लेता है, सारे वाटर न्यूट्रिएंट और फूड सोर्सेज को कैप्चर कर लेता है, जिससे कि अल्टीमेटली स्टार्विंग से जो आपका पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पॉपुलेशन है वो मर जाती है। बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ वीड इंक्लूड सीड प्रेडेटर्स, हर्बीवोर्स और प्लांट पैथोजन। तो तीन तरीके से कंट्रोल हो सकता है, या तो सीड्स को खा जाते हैं कंट्रोल एजेंट, या फिर पत्तों को खा जाते हैं, या फिर उनमें पैथोजेनेसिस करके कोई बीमारी कर देते हैं और वीड पॉपुलेशन को ख़त्म कर देते हैं। The term biological control was first used by Harry Scott Smith at the 1919 meeting of the Pacific Slope branch of the American Association of Economic Entomologists in Riverside, California. The cactus moth Cactoblastis cactorum and the scale insect Dactylopius helped in controlling the spread of prickly पीयर, यानी कि बायोलॉजिकली कंट्रोल होने वाली सबसे पहला जो प्लांट था, वीड थी, वो था प्रिकली पीयर। ये आपका एक तरह का कैक्टस है और इसको मॉथ और इसे स्केल इंसेक्ट की मदद से एकदम बहुत जल्दी से कंट्रोल कर लिया गया था। पीरियोडिक रिलीज ऑफ पैरासिटोइडल वास्प एंड कार्सिया फॉर्मोसा आर यूज्ड टू कंट्रोल ग्रीन हाउस वाइट फ्लाई इन यूरोपियन कंट्रीज। The egg parasite Trichogramma, Trichogramma जो है एक इंसेक्ट है, और ये क्या करता है, ये जो आपके मॉथ्स होते हैं उनके एग्स को पैरासिटाइज करता है, उनके ऊपर फीड करता है, और इस जैसे ही लावा जो है वो बाहर निकलते हैं उनको खा जाता है ये, तो फिर ये एक तरीके का एग पैरासिटॉइड है। इज फ्रीक्वेंटली रिलीज्ड इनडेटिवली टू कंट्रोल हार्मफुल मॉथ्स। Similarly, Bacillus thuringiensis and other microbial insecticide, BT है, Bacillus thuringiensis को शॉर्ट में BT कहा जाता है, और जब हम BT कहते हैं तो हमें याद है कि BT कॉटन होता है, BT मस्टर्ड भी आ गया है, BT मेज आ गया है, और आजकल अब BT ब्रिंजल की भी बात चल रही है। तो बीटी इससे जो है रेजिस्टेंट जीन निकाल के और इस बैक्टीरिया से सिक्रेट होने वाले जो टॉक्सिन्स हैं उनको यूज़ करके इंसेक्टिसाइड बनाए गए हैं। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट यूज़ है किसी माइक्रोबियल पॉपुलेशन का अगेंस्ट एनी पेस्ट। दे आर यूज्ड इन लार्ज इनफ क्वान्टिटीज फॉर अ रैपिड इफेक्ट। रिकमेंडेड रिलीज रेट्स फॉर ट्राइकोग्रामा इन वेजिटेबल और फील्ड क्रॉप रेंज फ्रॉम 5,000 टू 2 लैक्स पर एकर, यानी कि 1 to 50 पर स्क्वायर मीटर में पर वीक अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन। सिमिलरली निमेटोड्स दैट किल इंसेक्ट्स, दैट उनको बोलते हैं एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स, दे आर रिलीज एट अ रेट ऑफ मिलियंस एंड इवन बिलियंस पर एकर फॉर कंट्रोल ऑफ सर्टन सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट पेस्ट। Now there are few terms which you should know when you are dealing with biocontrol agent or biological control. Parasitoid. Parasitoid is an organism which completes its life on one host only and later kills it. Predator, a free living animal that kills the host immediately. यानी कि ये cycle भी complete नहीं करता. Then super parasitism is a type of parasitism where more individuals of the same species are present in a single host than
can compete development in a normal way. Then multiple parasitism क्या है कि जब type of parasitism where host is attacked by two or more species of parasitoids. And hyperparasitism is the type of parasitism in which a parasitoid attacks another parasitoid. So this is hyperparasitism. Then we have a few examples of biocontrol agents which are used for controlling various insect pests of agriculturally important crops. जैसे कि कुछ spiders हैं, Clubiona atbali, जिसको शुगर केन पायरेला को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाया जाता है. देन माइट्स में डेलोडेस लेपिडेरिया और एंट्रोमीडियम स्पीशीज जो है ये यूज करी जाती है. देन कैरपिस वुडी, इट लिव्स इन द थोरेटिक ट्रैकिया ऑफ द हनी बी एंड इट कॉजेस अ कैरन डिजीज. ऑल्दो इट इज also used as a biocontrol agent क्योंकि इसके अंदर capacity है कि वो insect के thoracic trachea में रह सकती है. then insect जो कि use किए जाते हैं largely these are chrysopala जिसको green lace wing कहते हैं और ये aphids को control करता है. then we have cicindela sexpantata, ये tiger beetle होता है, ये भी aphid और thrips को control करता है. then bromoids Suturalis, then we have Coccinella septum punctata, जिसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. then Menocyllus sexmaculatus, ये भी इंसेक्ट है जिसको यूज किया जाता है एज बायोकंट्रोल एजेंट. then we have other important biocontrol agents which are insect basically silphid fly and this trichogramma we have discussed this earlier. ye lepidopteran insect ke liye use hota hai. phir linus mali jo hai ye aapko woolly apple aphid jo hota hai uska biocontrol agent hai. then larval parasitoid of sugarcane top borer we have, egg parasitoid of sugarcane pyrella we have, and then nymphal parasitoid of mealybug planococcus we have here. microorganisms bhi hote hain, kuch fungus kuch bacteria jo ki use kiye jate hain aapke as biocontrol agent, wo hain aapke bivaria bassiana jisko white flies thrips aphids aur weevils ke liye use kiya jata hai. और इसके अंदर माइको इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. देन बीटी वी ऑल नो बीटी बेस्ड इंसेक्टिसाइड भी बनते हैं और बीटी से जो है जीन आइसोलेट करके ट्रांसजेनिक क्रॉप भी बनाई गई है. देन वी हैव आल्सो एन बायोकंट्रोल एजेंट फॉर रूट नॉट निमेटोड. देन ट्राइकोडर्मा विरिडी इज अ फंगस जो कि लार्जली एज बायोकंट्रोल एजेंट यूज किए जाते हैं. इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं. सो वी हैव बायोकंट्रोल एजेंट्स फॉर एंथ्रोपॉड्स आल्सो. नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन इज बायोपेस्टिसाइड एंड बायोहर्बिसाइड. सो बायोपेस्टिसाइड कंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड include several types of pest management interventions through predatory, parasitic or chemical relationships. The term has been associated historically with biocontrol and by implication the manipulation of living organism, yani ki un बायोलॉजिकल एजेंट से निकाले जाने वाले केमिकल्स जो हैं या फिर उनके सिक्रीट होने वाले उन केमिकल्स जो हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है एज पेस्टिसाइड. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स सच एज फंजाई एंड निमेटोड्स एंड दे आर ऑफन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. Similarly, biopesticides they are classified into different classes. जैसे microbial pesticides हैं, then bio-derived chemicals हैं जो कि plants से derive होते हैं, जैसे कि pyrethrum है, rotenone है, neem oil है, jarredirectin इसमें होता है, then nicotine है और कई जो होते हैं pheromones होते हैं. and then जैसे कि neem based आपके जो pesticidal formulations हैं जो कि commercial भी हैं वो है अचूक, जीवन क्रॉप प्रोटेक्टर, नीमार्क, नीम गोल्ड, नीम बीसाइड, रक्षा गोल्ड और
सुक्रीना, इन नामों से जो है नीम बेस्ड पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन आपको मार्केट में दिखाई देते हैं। देन वी हैव प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, जैसे कि GM क्रॉप्स में होते हैं, और इसमें RNA इंटरफेरेंस पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि वो RNA इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है प्लांट के अंदर, जो कि इंसेक्ट में होता है एक्चुअली, जिससे कि टॉक्सिन बनता है जो कि आपके पेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। वो पेस्ट किलिंग आपका इंसेक्टिसाइड है, तो वो बनने लगता है प्लांट के अंदर ही। तो ये RNA इंटरफेरेंस टेक्निक है जिससे कि आपके प्लांट में ही रेजिस्टेंस टाइप की एक डेवलप हो जाती है। Now let's discuss about the bioherbicides. So these are the chemicals which consist of phytotoxins, pathogens and other microbes used for biological weed control specifically. And these herbicides, bioherbicides, may be compounds and secondary metabolites derived from microbes such as fungi, bacteria, protozoa, phytotoxic plant residues, extracts or single compounds derived from other plant species. So there are 13 different products which have been launched, and currently 9 bioherbicides are available for sale or purchase in the market globally. So unke naam kya hai? Divine, it is one of the you can say the earliest bioherbicide that came into existence in the world, and then Colego, Biomal, Word Warrior, and then Control, and then Smolder, Charitor, Organosol, Melocua. Thank you.